पहुँचे हैं गाँव रैनापुर। रैनापुर में ग्राम प्रधान जो चुने गए हैं मोहित कुमार जी, आज हम उनके बारे में, उनके गांव के बारे में क्या क्या इनकी प्राथमिकताएं होंगी इस बारे में बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जोगिंदर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा टीवी का और आपका, आप हमारे पास आए हमारे विचार जानने के लिए और इस जरिए हमारे विचार हमारे गाँव की जनता तक और आसपास के क्षेत्र में पहुँचेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने गांव की जनता का, अपने बड़ों का, बुजुर्गों का और अपने भाइयों का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे चुनाव के दौरान इतनी मदद करी प्रचार प्रसार करने में और एक सही कैंडिडेट चुनने के लिए उन्होंने एक सही दिशा में जो है अपना मत का उपयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एजेंडा तो देखो जी वही है सभी प्रधानों का, है भी और होना भी चाहिए कि पिछले प्रधानों ने भी अपना गांव का विकास करने के लिए बहुत अपनी तरफ से मेहनत करी है। बिल्कुल। जितना वो कर पाए उन्होंने किया, जिस स्तर तक ले जा सकते लेके गए। अब हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने हम पे भरोसा दिखाया कि उनसे आगे हम लेके जाएं, जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा कराएं या जो काम नहीं हुए उनको आगे कराएं। तो अपना मेन तो जो गांव की मेन मेन चीज़ है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी चाहिए आज की डेट में, जैसे कि अपना जो अगर कहीं पे रास्ते नहीं बने या खड़ंजे ख़राब हैं या टूट चुके हैं उनकी मरम्मत हो, गांव में पानी का जो रखरखाव है, जो पानी की निकासी है वो अच्छे से होनी चाहिए कि पानी नहीं भरना चाहिए ताकि उससे मच्छर ना पैदा हो, बीमारी ना हो। अपना मेन रोड पे जो दोनों साइड की नाली हैं वो बननी चाहिए। वैसे फिलहाल अभी कुछ नया काम आपने किया हो, जैसे तालाब का नवीनीकरण है वो होना चाहिए। अभी नया काम करने का तो कोई बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं है, अभी तो नहीं मिला ना। हाँ, तो नया काम तो अभी करा नहीं पाए, अभी तो सिर्फ योजना बनी है। क्या काम चल रहा है ये, तो कोरोना काल में ज़्यादातर गाँव में सैनिटाइजर किया गया है। तो सैनिटाइजिंग गांव में कई बार कराया है, कल भी कराया, परसों भी कराया है। अच्छा अच्छा। और उससे पहले भी दो बार हुआ है, ब्लॉक की तरफ से इसमें बहुत मदद मिली है, विधायक जी की तरफ से भी मदद मिली है, उन्होंने दवाई भी पहुंचाई है घर घर जाके आशा वर्कर के साथ। हमने भी अगर जो आदमी बीमार है उनकी सेहत का जायजा लिया है, जिस भी आदमी को जरूरत थी बुखार था उनको दवाई दी है, उनको भरोसा दिलाया है अगर कोई भी समस्या है तो यहाँ पे डॉक्टर अपने बैठे हैं, CHC में अपने गांव में अस्पताल है। अच्छा अच्छा। इनिशियल जो अपनी स्टार्टिंग का अगर उपचार है, कोई समस्या है तो आप वहाँ जाके मिल सकते हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बीच में विधायक जी ने अपना हस्तनापुर में 15 बेड का एक कोविड सेंटर बनवा दिया था, अगर किसी को जरूरत पड़े। हस्तनापुर में किस जगह बनाई? हस्तनापुर में बना अपना जो हॉस्पिटल है वहीं पर, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसी में। उसी केंद्र कितने बेडों का? 15 बेड का। 15 बेड का बना है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह से कुछ दिन पहले विधायक जी आए थे, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि 15 बेड का कोविड सेंटर एक वहाँ पे उन्होंने ओपन कर दिया, इमरजेंसी के लिए जो बेसिक उपचार है वहाँ पे हो जाएगा, तो सीधे मेरठ जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिलेगा। तो हमने भी अपना फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गाँव में अपनी खबर फैलाई है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो सिलेंडर नहीं मिलने की प्रॉब्लम थी वो पहले थी, अब नहीं है। बीच में एक समय आया था तो चुनाव के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि लोग वहाँ काफ़ी बीमार हो गए थे, लेकिन अब सब रिकवरी हो गई है। आशाओं ने बहुत बढ़िया काम किया है, घर घर जाके दवाई बांटी है, हमारे पास भी ब्लॉक से दवाई आई, हमने भी अपना जिसको ज़रूरत थी उसको दवाई पहुँचाई है। और कल भी हमने, जैसे हमारे पास लिस्ट आई कि गाँव के अभी कुछ लोग जो है वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, मैंने लगवा नहीं रहे। अच्छा, लगवा नहीं रहे। वैक्सीन आई हुई है, उपलब्ध है, कई बार रेडियो में अनाउंसमेंट भी कराया कि जो 45 ईयर से ऊपर की एज के लोग हैं अपना वैक्सीनेशन करा ले, उनका फ्री हो रहा है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना भी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी कि करीब 51 लोग हैं जो इस वाले क्षेत्र से हैं और करीब 111 दूसरी तरफ से है कि लगवा नहीं रहे। तो कल हमने यहाँ पे बैठा के डॉक्टर साहब को फ़ोन कर करके एक आदमी को बुलवाया है और उनको वैक्सीन भी लगवाई है। तो क्या लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, क्या उससे डर है? लोगों के अंदर कुछ डर ऐसा है कि कुछ ऐसा हुआ कि एक दो केस ऐसे हो गए जो कुछ लोग बीमार थे, मतलब बीमार थे या हो गए, वो पहले से ही बीमार थे। अच्छा अच्छा। और वो उनकी रिकवरी उतनी सही हो नहीं पाई, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली, तो कोई एक या दो ऐसे केस थे जो एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो उनके मन में कुछ ऐसा वहम आ गया कि शायद वैक्सीन की वजह से हुआ है। अच्छा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई हुई है, मेरी माता जी को, पिताजी को, जो चाचा ताई परिवार में सबको, सबको लगी हुई है। तो जब वो यहाँ आए भी, उनके सामने हमने वैक्सीन लगवाई भी, देखो उनके लगी है, आपको लगो, उसको डरने वाली इससे बात नहीं है। जो एक दो एक्सेप्शन केस है वो किसी और वजह से हो जाता है, वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं, उसका फ़ायदा ही है। तो मेन तो ये है, सरकार के साथ मिलजुल के हमारा टारगेट यही है आशाओं के साथ कि कल फिर कैंप लगाएंगे यहीं पर और कोशिश करेंगे 100% हो जाए, पर 95, 98, 99% का हमारा टारगेट है कि लगभग सभी के वैक्सीनेशन पूरा कराया जाए। तो जैसे मोदी जी का भी है एक स्लोगन है, सबका विकास, सबका सबका साथ, सबका विकास। हाँ, ये है। तो गांव जो है देश की एक इकाई है, तो
पूरे देश का एक गांव, जो गांव यदि स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, तो सर्वांगीण विकास हो जाएगा, मतलब सीधी बात ये। तो आप अपने जो युवा हैं, गांव के युवा हैं या अपने देश के युवा हैं, सभी को क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने भाई नशे से दूर रहें, अपने टारगेट जोन का उद्देश्य है उसके लिए मेहनत करें और अपना जो मोटो है उसे ग्रैब करें। आपने बहुत मेन समस्या, एक बहुत मुद्दे को उठाया आपने, नशा। नशे की आजकल मतलब सभी जगह पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे, मतलब देश का कोई भी हिस्सा हो या दुनिया का भी कोई भी हिस्सा हो, कोई भी देश हो, हर जगह नशे की बहुत बड़ी एक समस्या है। चाहे वो यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, हर जगह समस्या है कि युवा जो है आजकल नशे की लत में पड़ता जा रहा है। गाँव में भी हमारे कुछ ऐसे कुछ युवा साथी हैं जो किसी वजह से इस नशे के आदि हो चुके हैं, और कोशिश यही है कि उस नशे को छोड़े। और अपना, हमने कुछ दिन पहले अपना बसुमा क्षेत्र से जो दरोगा जी हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी हमसे जानना चाहा, भी बताओ जी आपका किस तरफ ध्यान रहेगा। तो हमने उनको इस चीज़ से आगाह कराया भी, क्षेत्र में जो है कुछ लोग नशे के कैप्सूल बेच रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने पूछा जी अगर आप बता सकते हो कौन बेच रहे हैं जी, लगभग सभी अस्पताल पर, उसमें सभी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हैं, चोरी से बेच रहे हैं। तो सीधे सीधे ऐसे मिले नहीं जी, आपको ही कुछ अपना टीम बना के हम भी मदद करेंगे, उन पर छापा पड़े, उन मेडिकल स्टोर वालों से पता करा जाए भाई ये क्यों बेच रहे हो, कहाँ से बेच रहे हो, उनका ना हो। सबसे पहले तो वो आना ही रुकना चाहिए, वो आ कहाँ से रहा, प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। तो बसुमा पुलिस क्षेत्र के दरोगा थे विपिन कुमार जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जी हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कहाँ से आ रहे हैं, और कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द रुकवाएं। नहीं, यदि वो यदि किसी को जरूरत है भाई, वो कोई जो नशे का कैप्सूल है जो भी है, जरूरत तो उसको किसी की जरूरत है भाई, किसी एक मेडिसिन भी तो है, यदि जरूरत है तो डॉक्टर की, हाँ, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई कोई भी जाए पैसे दे और लेके चला जाए, ऐसा कुछ नहीं। वो ऐसा है कि वो उनको उनकी ट्यूनिंग बनी हुई है कि किसको देना है, कोई भी जाए चुप लेके आ जाए, वो चीज़ गलत है, वो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, गाँव की मतलब गाँव में सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या करना चाहोगे? सुरक्षा की दृष्टि से हमारी जो सेक्रेटरी साहब है वैशाली भारद्वाज, उनसे हमारी बात हुई है कि सरकार की तरफ से भी जो डेवलपमेंट में इसी चीज़ों पर है कि गाँव में अगर आप कैमरा लगवाना चाहते हैं तो कैमरे आप लगवा सकते हैं, जहाँ भी मेन मेन चौराहों पे, स्कूल पे, बस अड्डों पे। तो वही है कि जैसे अपना अभी सारी प्रक्रिया प्रोसेस में है, जो डोंगल है, डोंगल आनी है, अकाउंट ओपन होने हैं, फिर वहाँ से बजट आएगा, पैसा आएगा, बजट डिसाइड करेंगे तो किस किस चौराहे पे कैमरे लगने चाहिए। और अपना जो निगरानी समिति है, निगरानी समिति का गठन हमारे का हो चुका है, निगरानी समिति में हमारे 17 लोग हैं, हर वर्ग से लोग हैं, और उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। उन सभी लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्र में ध्यान रखें, अगर कहीं भी कोई गलत तत्व है या गलत तरह की हरकत कर रहा है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए। दरअसल क्या अभी क्या एक घटना हुई थी गांव रानी नगला में, वहाँ क्या रात को कोई आए 5-7 लोग और आके कोई फायरिंग वगैरह करके चले गए गेट के सामने जी। तो यदि वहाँ कैमरे लगे हुए थे बिल्कुल, तो शायद उनका पता चलता। हाँ, पता कुछ नहीं लगा। अब गांव में कहीं भी एक जगह कैमरा नहीं है तो कहीं से भी पकड़ में नहीं आ सकते। अब हमारे गांव में जो है एंट्री करने के 4 रास्ते हैं, झुंझुनू की तरफ से, मक्खन नगर की तरफ से, बसुम्मा की तरफ से और गणेशपुर की तरफ से। 4 पॉइंट पे कैमरा लग जाए, कहीं और से कोई आएगा नहीं। वो गाँव में कहीं भी कुछ कर जाए तो वो पकड़ में आ जाएगा। और उसका एक मेन जो जगह होगी, एक सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो कैमरे जो हैं अपना वाईफाई के भी आते हैं, तो उसमें कोई वायरिंग की भी जरूरत नहीं है। आप वाईफाई कैमरा लगा दो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे 12 साल हो गए हैं बीटेक करे हुए, 12 साल से नौकरी कर रहा हूँ। तो मेरा भी जो रुझान है वो टेक्नोलॉजी की तरफ है कि मैं अपने गाँव के जो युवा साथी हैं, पढ़ने वाले क्षेत्र के लोग, अपने यहाँ के बच्चे हैं, कि उनको मोटिवेट करूँ और कुछ टेक्नोलॉजी से उनका लाभ पहुँचाऊँ। तो एक उसमें मेरी इच्छा ये भी है कि मैं कंप्यूटर सेंटर एक यहाँ पे खोलना चाहता हूँ। तो जैसे मैं चुनाव से पहले भी कई घर गया, मैं बच्चों से मिला, जो कोई BCA कर रहा है, BA कर रहा है, 12th कर रहा है। तो जो BCA कर रहा था, मैंने उस बच्चे से पूछा भैया अब क्या करोगे? भैया कुछ नहीं कर रहा, मजदूरी कर रहा हूँ। मैंने कहा तुमने BCA करी है, तुम अच्छी कंप्यूटर की जॉब कर सकते हो। कहते जी भैया कंप्यूटर नहीं चलाना आता। मैंने क्यों नहीं चलाना? कहते भैया कभी कंप्यूटर मिला नहीं। कहते मुझे पढ़ाई तो मिल गया, पढ़ाई भी की है, लेकिन वहाँ एक प्रैक्टिकल क्लास नहीं। परिवार की जो स्थिति थी वो इतनी कमजोर थी कि वो कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर पा, तो उसको कंप्यूटर नहीं मिला, लैपटॉप नहीं मिला। कहता मुझे पढ़ाई में तो बहुत समझ में आता था बुक में, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कभी मौका नहीं मिला। तो मन में इच्छा जागृत हुई, मगर यार ऐसे बच्चों के लिए गाँव में कंप्यूटर सेंटर होना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं, मैं एक ही लगा दूं, उनको कम से कम एक दिन में एक मौका मिल जाए, हफ्ते में 2 घंटे का मौका मिल जाए, तो भी उसको चला के थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते। पर इच्छा ये है कि कम से कम 5 कंप्यूटर को लगाए जाए, कंप्यूटर। हाँ, ये तो जब आप शुरू में आपने क्वेश्चन किया था, जो मेन एजेंडा है गांव में क्या कराना चाहते हो, कहां से आप शुरुआत करना चाहते हो, क्या नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हो, नेक्स्ट लेवल यही है कि गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर सेंटर हो, जो तालाब है उसका नवीकरणीकरण हो, उसमें
जो गंदगी है वो साफ़ सुथरी हो जाए, वो देखने में अच्छा लगे। मोस्टली गाँव में जो है एक नई भी समस्या आ रही है, जो गरीब वर्ग है उनको राशन जो सही, एक तो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, किंतु बहुत से लोग हैं उनका राशन कार्ड नहीं है, तो वे क्या है किसी ना किसी, या जो सरकार की तरफ से मिल रहा है फ्री, अब 3 महीने के लिए फ्री है, तो वो ले रहे हैं, कुछ पैसा पे करना पड़ रहा है तो ले रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप कुछ उस संदर्भ में ये है कि जब से अपना चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो काफ़ी सारी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग आए हैं, जी हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हाँ। जी हम विधवा हैं, हमारी पेंशन नहीं मिली हमें आज तक, हाँ, हम वृद्ध हो गए जी, हमें पेंशन नहीं मिली आज तक, भैया हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे कागज़ नहीं बने, पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कल ही मुझे एक अपना बुजुर्ग हैं वो कागज़ देके गए हैं कि 6 महीने इस कागज़ को सबमिट करे हो गए हैं और मेरी घरवाली की जो है अभी तक पेंशन नहीं आई। तो मैंने कहा ताऊ जी मैं इस चीज़ में काम करूँगा, एक एक करके सारी चीज़ों को देखूँगा, भाई जिसकी राशन कार्ड नहीं बने क्यों नहीं बने, जिसकी पेंशन नहीं बनी क्यों नहीं बनी। मैंने कहा मुझे कुछ दिन का समय दो, अब जैसे नया नया चार्ज लिया है तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने को मिलेगा, अब बहुत सारे काम है जो एक साथ कर रहे हैं, तो सारे काम एक साथ नहीं हो सकते, तो जो काम ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पहले वो करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 3-4-6 महीने के अंदर ये समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको उपचार करें कि जिसके राशन कार्ड बनने चाहिए उनके राशन कार्ड बनवाएं और जिनको पेंशन नहीं मिल रही इनको पेंशन मिलनी चाहिए। अच्छा, गरीब लोगों के जो है कुछ कच्चे मकान जो होते हैं जी, भाई किसी ना किसी कारण नहीं बन पाते जी, या शौचालय नहीं बन पाते जी, इस क्षेत्र में क्या आपका? हाँ, काफ़ी लोगों ने इस बारे में भी जो अपनी रिक्वेस्ट दी है कि जी हमारे शौचालय नहीं बने, कुछ लोग हैं जिनके शौचालय नहीं है, कुछ के मकान भी बनने वाले हैं, कुछ की रिपेयर होनी है, कुछ के नए बनने हैं, तो उनका भी सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके, ब्लॉक के साथ मिलके, जिस तरह से भी ऊपर से मिलेगा आरक्षण, जिनके भी बनवाए जाने चाहिए उनके सबके बनवाने की पूरी कोशिश, जो लायक है, हाँ जो लायक है, वो जो लायक है, जो लायक है, जो जायज है वही होगा। अच्छा, नरेगा एक योजना चल रही है जी, उसमें क्या कहीं अभी आपने कहीं काम कराया है नहीं कराया? नरेगा में सिर्फ अपना बेसिक, जैसे अभी कोरोना महामारी के तहत सरकार का भी अपना उस डायरेक्शन में काफ़ी जोर था और होना भी चाहिए, और हमारी खुद की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि गांव में कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब काफ़ी टाइम से जो है गांव में नालियाँ नहीं साफ़ हुई थी, गंदगी इकट्ठा हो रही थी, तो चुनाव से पहले भी हमने 2-3 बार उसकी सफाई कराई, जहाँ पे मेन हाईवे पे रोड है गांव के अंदर जाके अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के खुद में उनके साथ नहीं, था। आपने तो किया, वो तो अच्छी बात है, वो ये कोऑपरेशन बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा नरेगा से भी अब जैसे उसके बाद भी जैसे नरेगा से अभी अभी गांव की जो है मेन रोड भी सारी सफाई कराई गई है नरेगा के मजदूर के, तो नरेगा में कितने मजदूर हैं लगभग आपके यहाँ? कितने? 350 लगभग हैं। 350 है, तो वो जो है मतलब उनका तुम्हारे गांव के लिए है या कहीं भी काम करते हैं? कुछ 6-7 किलोमीटर के किसी भी प्रधान के पास जाके काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, हाँ। किसी तो भी ठेकेदार के साथ अपने आसपास के गांव में जाके भी काम कर सकते हैं। तो क्या अभी आप जो है जो नए जो कार्ड बनेंगे लोगों के वो इशू करवाओगे? हाँ, जिनके कार्ड नहीं बने और कार्ड बनने चाहिए उनके कार्ड बनवाएंगे, बिल्कुल, और कोशिश करेंगे जैसे सरकार की तरफ से व्यवस्था कुछ ऐसी है कि एक नरेगा मजदूर को एक साल में कम 100 दिन मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम नरेगा में मजदूरों को इस तरह से रोटेट करें कि उनको 100 मजदूरी मिले, यानी कि 12 महीने हैं तो लगभग लगभग हमें इसको 8 या 9 मजदूरी हर महीने देनी है। देखो क्या है, मैं जहाँ तो जिससे हम सारे मुझे जानकारी है जी, मोहित जी आपको बताता हूँ, इसमें क्या है, पहले क्या था पिछली योजना में था 182 रुपये पर मजदूर था, लेकिन अब 202 रुपये है, 202-204 चल रहा है, हाँ 202-204 है, और जी पहले 100 दिन था, इस बार जो है 150 दिन है, 150 हो गया, 150 हो गया ना, ठीक। अच्छा जी, अब 150 दिन है, और जी जो जो परिवार एक एक भत्ता जो 1000 रुपीज़ मिलेगा पर मेंबर को जो इससे जुड़ा हुआ है, और राशन संबंधी या जैसी भी बेसिक नीड्स हैं उनकी, उन्हें वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी, तो ये मेरा खुद का आपको सजेशन है कि जो लायक है और जो नीडी पर्सन है, मतलब आप उन्हें स्पेशली ध्यान दें। हाँ, हमारे पास ब्लॉक से वो रिक्वेस्ट आ चुकी है पहले। अच्छा अच्छा और उन्होंने हमसे बोला था कि भाई ऐसे लोग जो अपना इस लॉकडाउन की वजह से जो अपना जीवन यापन करने में समस्या आ रही है, मजदूरी पे नहीं जा पा रहे, सरकार उनको अलग से 1000 रुपये की मदद देना चाह रही है। भाई जिसको पेंशन का लाभ मिल रहा है वो ठीक है, जिसको मनरेगा से लाभ मिल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं ना तो उनके पास मनरेगा कार्ड है, ना उनके पास लेबर कार्ड है, ना उनके पास
क्या कहते हैं, रोजगार कुछ ऐसा नहीं है, रोजगार नहीं है, राशन नहीं, उनको सरकारी मदद नहीं मिल पा रही, तो ऐसे लोगों को ढूंढ के लाओ, अगर कोई ऐसा बचा हुआ है किसी वजह से तो उनको भी सरकारी मदद मिल जाए, तो आप उनको लिस्ट करोगे, तो हम उनके करीब 35 लोगों के नाम हमने निकाल के सेक्रेटरी साहब को पहुँचा दिए। चलो तो प्रधान जी बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर बातचीत करके जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ जी, आप अपना कार्यकाल मतलब बहुत अच्छी तरीके करें। तो दोस्तों बने रहिए मेरठ टीवी उत्तर प्रदेश, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र भाई जी।